इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है गुना से, जहां पर आदिवासी महिला सरपंच के साथ मारपीट की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर गुना से हम आपको बता रहे हैं, गांव के दबंगों ने बंदूक दिखाकर महिला से मारपीट की है। नल जल योजना से गांव में ट्यूबवेल खनन करवा रही थी सरपंच, ग्रामीणों ने गुना एसपी को आवेदन दिया है। मधुसूदन गढ़ के ग्राम पंचायत कंजई का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर गुना से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आदिवासी महिला सरपंच के साथ मारपीट की गई है। वहीं गांव के दबंगों ने बंदूक दिखाकर महिला के साथ मारपीट की। नल जल योजना से गांव में ट्यूबवेल खनन करवा रही थी सरपंच, जिस दौरान यह हादसा हुआ। वहीं ग्रामीणों ने गुना एसपी को आवेदन दिया। मधुसूदन गढ़ के ग्राम पंचायत कंजई का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गोपेश्वर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी गोपेश्वर, क्या कुछ है पूरा मामला? ऋतु मैं बता देता हूं आपको जी। मधुसूदनगढ़ के पास कंजई पंचायत में आदिवासी सरपंच है, जिसका नाम जमनी बाई है, और इसके द्वारा ग्राम पंचायत में ट्यूबवेल खनन का काम चल रहा था। तो ग्रामीण के ग्रामीण दबंग ग्रामीणों ने द्वारा इनको अपशब्द और गालियां दी और बंदूक अड़ा दी। इस बात को लेकर ये थाना प्रभारी के पास भी पहुंचे, वहां पर इनकी सुनवाई नहीं हुई। आज ये गुना एसपी के पास आए तो एसपी को उन्होंने आवेदन दिया और कहा कि हमें हमारे पंचायत में काम करवा रहे हैं, दो दबंगों द्वारा इस तरह प्रताड़ित किया जा रहा है। और बता रहे कि आपको कि पिछले जब से पंचायती राज चालू हुआ है तब से वो दबंगों के पास पंचायत रही थी। ये पहला मामला है जो आदिवासी सरपंच के हाथ में ये सरपंच की कमान आई है, तो इस कारण से इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। और एक बात और बता देती है, इसमें सरपंचों द्वारा किया गया है कि ग्राम पंचायत और वहां पे जो पंचायत की सुविधाओं के लिए जो टैंकर वगैरह थे, आज भी दबंगों के कब्जे में है, इनके पास कुछ भी नहीं है। जी गोपेश्वर जी, यहाँ पे देखे तो पुलिस प्रशासन का यहाँ पर कोई खौफ नहीं, जो इतनी सी बात को लेकर के इन्होंने यहाँ पर मारपीट शुरू कर दी, बंदूक दिखाना शुरू कर दी? कई ग्रामीणों में ऐसा देखा गया है, वहाँ पे दबंगों का कब्जा आज भी है। और भील समाज आदिवासी समाज के जो लोग होते हैं, ये गरीब होते हैं, गरीब तबके के होते हैं, और दबंग लोग इनको डरा दिया जाता है, धमका दिया जाता है, और प्रशासन भी उन्हीं लोगों की मदद करती है जो दबंग होती हैं, क्योंकि उनके पास सब होता है, धन बल सब होता है। अभी अभी क्या कुछ कहा गया, क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी उन पर? ये राहुल कुमार लोहरा एसपी तत्काल है, तो उन्होंने थाना प्रभारी को आवेदन मतलब फोन लगा के उनको सूचित भी कर दिया कि कार्रवाई की जाए, और उन्होंने एसपी ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। जी चलिए गोपेश्वर जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस खास जानकारी को साझा करने के लिए। बड़ी खबर में आपको बता रहे थे गुना से, जहां पर जो है आदिवासी महिला सरपंच के साथ मारपीट का यहां पर मामला सामने आया है। वहीं दबंगों के द्वारा बंदूक दिखाकर मारपीट महिला से की गई है।